नहीं करे या स्लेज करने की कोशिश करे तो सामने वाली टीम को बहुत बुरा परिणाम भुगतना पड़ता है। पाकिस्तानी दिग्गज को भी एक गलती बहुत भारी पड़ी थी और सचिन ने लगातार 4 छक्के लगाकर इस खिलाड़ी का घमंड तोड़ दिया था। नमस्कार, मेरा नाम है अंकित मिश्रा और आप देख रहे हैं वन इंडिया हिंदी। वर्ल्ड का कोई ऐसा कोना नहीं होगा जहां सचिन तेंदुलकर ने रन ना बनाए हो। जब उनका बल्ला चलता था तो नई गेंद और पुरानी गेंद में कोई फर्क नहीं नजर आता था। करियर के अंत तक सचिन तेंदुलकर ने गेंदबाजों में अपना डर बनाकर रखा। शुरुआत में सचिन को पाकिस्तान ने छेड़ा था, उस जवाब में उन्होंने पाकिस्तान की इस तरह से धुलाई की थी कि वो दर्द अभी तक पाकिस्तानी गेंदबाजों को याद है। चुनौती सचिन तेंदुलकर को हमेशा से पसंद रही। वो 16 साल के थे, उस समय पाकिस्तान दौरे पर गए थे। वहां एक ऐसी घटना देखने को मिली जिसकी चर्चा आज भी की जाती है। पाकिस्तान के दिग्गज लेग स्पिनर ने सचिन को छेड़ दिया था, स्लेज कर दिया था और इसके बाद मैदान पर तांडव देखने को मिला। दरअसल ये घटना 1989 की है, जब भारत और पाकिस्तान के बीच एक दिवसीय मुकाबला खेला जाना था। पेशावर का स्टेडियम खचाखच भरा था, लेकिन बारिश ने उम्मीदों पर पानी फेर दिया। मुकाबला रद्द करना पड़ा और फैंस मायूस होकर घर लौटे। इसे देखते हुए 20-20 ओवर का एक फ्रेंडली मैच रखा गया। जब उस समय सचिन तेंदुलकर की चर्चा इसलिए होती थी क्योंकि उन्होंने 16 साल की उम्र में नेशनल टीम में अपनी जगह बना ली थी। पाकिस्तानी गेंदबाजों को ये बात अच्छी नहीं लगी। खैर, इतना छोटा लड़का हमारे सामने कैसे खेल सकता है? तेंदुलकर के सामने वकार, वसीम, इमरान खान जैसे दिग्गज तेज गेंदबाज थे। उनके अलावा अब्दुल कादिर और मुश्ताक अहमद जैसे धांसू स्पिनर। बैटिंग के दौरान सचिन ने मुश्ताक को 2 छक्के जड़े। इसके बाद दिग्गज लेग स्पिनर अब्दुल कादिर ने आकर सचिन को ललकारा। उन्होंने कहा कि बच्चों को क्यों मार रहे हो, हमें भी मार कर दिखाओ। ये कादिर नहीं, उनका घमंड बोल रहा था। सचिन ने उस समय कुछ नहीं कहा। शुरू से ये उनकी खासियत रही कि वो किसी को मुंह से जवाब नहीं देते। उनके बल्ले पिटाई कर गेंदबाजों को पूरी तरह से जवाब देते हैं। अब्दुल कादिर की चुनौती के समय उन्होंने यही किया। अगले ओवर में उन्होंने कादिर की ऐसी धज्जियां उड़ाई जिसकी कल्पना भी उन्होंने कभी नहीं की होगी। तेंदुलकर ने कादिर के ओवर में अंतिम 3 गेंदों पर लगातार 3 छक्के जड़े। उन्होंने उस ओवर में कुल 4 छक्के और 1 चौका जड़कर छिड़खानी करने वाले कादिर का मुंह बंद कर दिया। इस बैटिंग को देखकर हर किसी ने तेंदुलकर की तारीफों में फूल मांगे। सचिन तेंदुलकर ने इस मैच में 18 गेंदों का सामना करते हुए 53 रनों की ताबड़तोड़ पारी खेली। अब्दुल कादिर की हिकड़ी निकल चुकी थी। इसके बाद कादिर ने उनको कभी भी नहीं छेड़ा और यह घटना इतिहास में दर्ज हो गई। भारत को पाकिस्तान टीम के सामने करीबी हार का सामना करना पड़ा, लेकिन दुनिया को उस दिन आगे आने वाले समय के लिए क्रिकेटिंग तूफान का एहसास हो गया था।